हेलो दोस्तों, ऑल इन वन TET चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में BED में एडमिशन के लिए पटना में BED काउंसलिंग का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है, और उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं जिनका प्रोविजनल 1 साल से अधिक पुराना है। उन सभी के लिए काफ़ी राहत वाली खबर ये है कि मगध यूनिवर्सिटी और मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों कि प्रोविजनल का जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दिया गया है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए ताकि पूरी अपडेट आपको पता चले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप सभी देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय BED नामांकन के लिए जारी काउंसलिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मगध विश्वविद्यालय एवं मिथिला विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर यह है कि इन दोनों ही विश्वविद्यालय ने एक पत्र जारी कर प्रोविजनल सर्टिफिकेट को दिसंबर 2018 तक के लिए मान्य कर दिया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो मगध और मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं, अगर वे आप काउंसलिंग में जाते हैं प्रोविजनल लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उनका प्रोविजनल साल भर से अधिक का हो गया है। इन दो ही विश्वविद्यालयों ने छात्रों को काउंसलिंग के लिए किसी तरह की अब परेशानी नहीं होगी, अब ये जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। वहीं अब जो रेस्ट विश्वविद्यालय बच गए हैं, एक एक करके अब सारे विश्वविद्यालय अपना अपना पत्र जारी करेंगे और प्रोविजनल का वैलिडिटी जो है बढ़ा दिया जाएगा। ऑनलाइन कॉलेज चॉइस फिलिंग शुरू होगी आज से। वहीं पे आप सभी को मैं बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो मान्यता रद्द हो गई थी, सेशन 0 चल रहा था, उनको भी मान्यता मिल गई है NCTE के द्वारा, और आज से ऑनलाइन कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आप सभी को वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आप सभी अपने हिसाब से कॉलेज का चॉइस फिल करेंगे, जो आपके आसपास के नज़दीक का कॉलेज हो या आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेजों को चॉइस आप फिलअप कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आज जो है जारी कर दिया जाएगा, और उन सभी बच्चों के लिए राहत की खबर है जिनका प्रोविजनल साल भर से अधिक का हो गया है। तो मगध यूनिवर्सिटी और मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा प्रोविजनल का जो वैलिडिटी है दिसंबर 2018 तक बढ़ाकर कर दिया गया है, और अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो रेस्ट विश्वविद्यालय बच गए हैं, अब बारी बारी से वो भी एक लेटर जारी करेंगे और आप सभी की जो प्रोविजनल की वाली समस्या है वो दूर कर दी जाएगी। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। इसके लिए बगल में एक बेल आइकॉन आएगी, सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी आप दबा दें। तो धन्यवाद।